बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और रब्बुल आलमीन की अता होने वाली नेमतों को अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। हमेशा की तरह इस व्लॉग का आगाज़ एक अच्छी बात से है। वो अच्छी बात ये है, माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं लेकिन ताकतवर की गलती पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। ऐसा काफ़ी बार देखने को मिला है, जब किसी गरीब से गलती हुई है तो उस पर लोगों ने तान जोद कोब की है, उसको बहुत बुरा भला कहा गया। अगर यही गलती किसी अमीर से हुई है, ताकतवर से हुई है, तो उसको किसी ने नहीं पूछा, बस दरगुजर किया है। तो यही काफ़ी बार देखने को मिला है। यही था आज का मैसेज, उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। तो शाम का टाइम था तो बाहर निकल आया हूँ, हवा चल रही थी तो मैंने कहा थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं। तो कपास की फसल दिखाते हैं, इसकी कुछ थोड़ी सी अपडेट है वो आपको दिखाते हैं। वैसे सुना है कि आजकल कपास का रेट कुछ ज़्यादा है, जब से लोगों ने सुना है कि कपास का रेट ज़्यादा है। जी कपास की फसल अभी फ़िलहाल तो इस पर कोई बीमारी का ख़तरा नहीं है, क्योंकि बारिश हुई है। बारिश की वजह से वो कोई बीमारी होगी भी सही तो वो धुल गई है, अभी नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कोई बीमारी का कुछ असर नज़र आए, उसके लिए स्प्रे करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे स्प्रे कैसे होती है इस पर। आज सूरज की इतनी गर्मी भी नहीं थी क्योंकि मौसम ठंडा था, बारिश हुई है कल, तो इस वजह से मौसम कुछ बेहतर है। तो सूरज डूबने वाला है, ये सीन आपको दिखाते हैं। लोग सुबह की सैर को निकलते हैं, मैं शाम की सैर को निकला, ये थोड़ा कुछ अजीब सा नहीं हो गया? तो सूरज भी गुरूब हो चुका है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा खजूरों के पकने का इंतज़ार है, ये कब पकेंगी और हमारा मुंह मीठा करवाएंगी, आपको भी खिलाएंगे ना, ऐसी बात नहीं है कि हम अकेले खाएंगे। खजूरों के हवाले से अपडेट ये है कि ये पकना शुरू हो गई हैं, तो दो चार दिनों तक इंशाल्लाह हम आपको खिलाएंगे। तो ये कुछ नीचे गिरना शुरू हो गई हैं, तो उस दिन जब आपको दिखाई थी वो सब्ज़ थी, और ये वाली देखें इतनी सी हो गई लाल लाल, आहा क्या ही बात है, पकना शुरू हो गई, अब खाएंगे हम इंशाल्लाह। आज के व्लॉग को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। आपने देखा, उम्मीद है आपने इसको पसंद किया होगा। मुझे यार ऐसे बनाना आता है, अभी मैं सीख रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ की कमी है, आप मुझे कुछ बताएं ना। मुझे कुछ मुश्किल सी पेश आ रही है कि मैं बनाऊँ क्या, क्या कॉन्टेंट बनाऊँ, आप मेरी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। तो इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता करे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं और आपके लिए जायज़ हो। फिर मान लिया।